अबुल अजीजिया कंपाउंड में फिर लड़ाई शुरू हो गई। लीबिया के बागियों ने कब्जे के बाद कज़ाफी की तलाश शुरू कर दी। बागियों की काउंसिल को 30 मुल्कों ने तस्लीम कर लिया। निकारागुआ ने की कज़ाफी को पनाह देने की पेशकश। लीबिया की अपोजिशन काउंसिल ने कहा कज़ाफी पर मुल्क में ही मुकदमा चलाया जाएगा, 8 महीनों में इलेक्शंस कराए जाएंगे। कज़ाफी हार मानने के लिए तैयार नहीं, ऑडियो टेप में कहा फतेह या शहादत तक लड़ाई लड़ेंगे। यमन के वजीर आजम सऊदी अरब में इलाज के बाद मुल्क वापस आए, फौज के हमले में अलकायदा के 30 मिलिटेंट हलाक। यूरोपीय यूनियन सीरिया पर मजीद पाबंदियां लगाएगी, अक्वामे मुत्तहिदा में मुसवदा पेश करने की तैयारी। अना हजारे भूख हड़ताल खत्म करें तो पार्लियामेंट में पेश किया गया बिल वापस लिया जाएगा, हुकूमत ने की पेशकश। हुकूमत और सिविल सोसाइटी के दरमियान नए लोकपाल बिल पर बातचीत, 3 मसाइल पर अख्तलाफात हैं बरकरार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4TV का खसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील की तरफ बढ़ते हैं। लीबिया के सदारती महल पर बागियों के कब्जे के बाद से कर्नल कज़ाफी का कोई अता पता नहीं चल रहा है। किसी को नहीं मालूम कि उन्हें आसमान खा गया या ज़मीन निगल गई। त्रिपोली के इक्का दुक्का मकामात पर कज़ाफी के वफादार अब भी बागियों से मुकाबला कर रहे हैं। कज़ाफी के बाबुल अजीजिया कंपाउंड पर बागियों के कब्जे के एक दिन बाद चहरशंबे को कंपाउंड पर फायरिंग की गई। यह फायरिंग कज़ाफी के वफादार सिपाहियों ने की है। बताया गया है कि कम से कम 7 मॉर्टार 40 मिनट के वक्फे में बाबुल अजीजिया में गिरे। इस दौरान कज़ाफी की वफादार फौजों पर नाटो के हमलों की भी खबरें मिल रही हैं। बागी अब त्रिपोली में अपने कब्जे को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे हैं और उन्होंने कज़ाफी की तलाश शुरू कर दी है। कज़ाफी की वफादार फौज ने मिसराता इलाके में बागियों पर स्कड मिज़ाइल से हमला किया। चश्मदीद गवाहों ने बताया कि त्रिपोली में भी मिज़ाइल फायर किए गए। इस दौरान नाटो ने कहा है कि लीबिया के मसले का खात्मा करीब है और सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है। नाटो ने कहा कि कर्नल कज़ाफी और उनके हामी अब एक हारी हुई जंग लड़ रहे हैं। लीबिया के बागियों ने कहा है कि कर्नल कज़ाफी को गिरफ्तार करके लीबिया में ही मुकदमा चलाया जाएगा। बागियों की अबूरी काउंसिल को 30 मुल्कों ने तस्लीम कर लिया है। दूसरी तरफ अफ्रीका के मुल्क निकारागुआ ने कज़ाफी को पनाह देने की पेशकश की है। बागियों की नेशनल काउंसिल के तर्जुमान ने एक इजिप्शियन टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि कज़ाफी को गिरफ्तार करके इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में पेश करने के बजाय लीबिया में ही उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। इस दौरान लीबिया की नई हुकूमत यानी बागियों की जो अबूरी काउंसिल है उसने कहा है कि वो कज़ाफी दौर में किए गए समझौतों का एहतराम करेगी। बागियों की काउंसिल के सदर नशीन ने कहा कि लीबिया में 8 महीनों के अंदर इलेक्शंस कराए जाएंगे और उन्होंने कहा कि हम जमहूरी हुकूमत कायम करना चाहते हैं। लीबिया की अबूरी कौमी काउंसिल के चीफ मुस्तफ़ा अब्दुल जलील ने कहा है कि 4 दिन की लड़ाई में 600 लोग मारे गए हैं और 2000 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। उन्होंने फ्रांस के एक टीवी चैनल को बताया कि बागियों ने कज़ाफी की वफादार फ़ौज के 600 सिपाहियों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक कज़ाफी को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता जंग जारी रहेगी। लीबिया में बागियों ने मुल्क को 6 महीनों से जारी खाना जंगी के असरात से बाहर निकालने के लिए इस महीने के आखिर तक 2.5 बिलियन डॉलर की फौरी इमदाद की अपील की है। अमेरिका ने भी बागियों को इमदाद देने की तायद करते हुए कहा है कि इस सिलसिले में यूरोपीय यूनियन को अहम रोल अदा करना होगा। बागियों की कौमी अबूरी काउंसिल के लीडर महमूद जिब्राइल ने यह मुतालबा कौमी अबूरी काउंसिल के नुमाइंदे की अमरीका, फ्रांस, इटली, तुर्की और कतर के अहदेदारों से मुलाकात के मौके पर की। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी चीफ कैथरीन एश्टन ने बताया कि लीबिया की कौमी अबूरी काउंसिल को कज़ाफी हुकूमत के असासों तक रसाई देने के बाद बैरूनी इमदाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कज़ाफी हुकूमत के असासों को कई मुल्कों ने फ्रीज कर दिया था। जर्मन वजीर खारजा ने कहा कि जर्मनी लीबिया को मुस्तहकम बनाने के लिए मुस्तबिल की हुकूमत के साथ तआवुन करेगा। इस दौरान अमरीका के सेनेटर जॉन मैकिन ने अपने एक बयान में कहा कि यूरोपीय यूनियन को लीबिया की बहाली में अहम रोल अदा करना होगा। कज़ाफी कंपाउंड पर बागियों के कब्जे के बाद पूरे मुल्क में जश्न मनाया जा रहा है।
मुअम्मर कज़ाफ़ी ने इस दौरान अपने एक ऑडियो पयाम में कहा है कि अवाम त्रिपोली से गद्दारों का सफाया करें। 42 साल इख्तदार का ताज हाथ से छूटने के बावजूद कज़ाफ़ी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। अपने सबसे मजबूत गढ़ बाबुल अजीज़िया से फरार होने के बाद रेडियो से खताब करते हुए कज़ाफ़ी ने कहा कि फतेह या शहादत तक लड़ाई जारी रहेगी। कज़ाफ़ी ने दावा किया कि उन्होंने अपनी एक चाल के तौर पर बाबुल अजीज़िया कंपाउंड को खाली किया है। कज़ाफ़ी के एक तर्जुमान ने कहा कि लीबिया आतिशफिशां बन चुका है, जहां बरसों लड़ाई जारी रह सकती है। अक़्वामी मुत्तहिदा ने लीबिया के बारे में जुमे को हंगामी मीटिंग बुलाई है, जिसमें इस बात का जायज़ा लिया जाएगा कि दुनिया किस तरह जंग के बाद के मरहले में काम कर सकती है। सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने अरब लीग, अफ्रीकी यूनियन, यूरोपीय यूनियन और तंजीम इस्लामी कॉन्फ्रेंस के सरबराहों को इस मीटिंग में हिस्सा लेने की दावत दी है। बान की मून के तर्जुमान फरहान हक ने यह बात बताई। रशिया के सदर डिमिट्री मेडवेडोव ने कहा है कि मुअम्मर कज़ाफ़ी की फ़ौजों के खिलाफ बागियों की कामयाबी के बावजूद लीबिया में अब भी दो ताकतें हैं। उन्होंने इस मसले को हल करने के लिए बातचीत की ज़रूरत पर जोर दिया। मेडवेडोव ने कहा कि अगर बागियों के पास मुल्क को मुत्तहिद रखने की ताकत है तो वो उनके साथ मुकम्मल सफारती ताल्लुकात कायम करना चाहेंगे। ईरान ने कहा है कि लीबिया के अवाम अपने मुल्क में कल के साम्राज्यों और आज के जमहूरियत के दावेदारों को मुदाखलत का मौका ना दें। ईरानी वजारत खारजा ने एक बयान में लीबिया के अवाम की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि अवाम ने हालिया महीनों में इलाके में अवामी तहरीक का एक और नमूना पेश किया है। बयान में कहा गया कि ईरान हमेशा की तरह आज़ादी, इंसाफ और इंसानी इज्जत और वक़ार और तरक्की के रास्ते में लीबिया की कौम को अपने तजुर्बों से फ़ायदा पहुँचाने के लिए तैयार रहेगा। यमन के वज़ीर आज़म अली मोहम्मद मुजाविर दारुलकूमत सना लौट आए हैं, जो सदारती महल पर होने वाले हमले में ज़ख्मी होने के बाद से सऊदी अरब में इलाज करा रहे थे। सदर अली अब्दुल्ला सालेह भी सऊदी अरब में इलाज करा रहे हैं और ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो बहुत जल्द यमन वापस आएंगे। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने सीरिया के खिलाफ मजीद पाबंदियों की कोशिशें शुरू कर दी हैं और इस मकसद से पाबंदियों का मुसवदा बहुत जल्द अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया जाएगा। इस नए मुसवदे में बशारुल असद और हुकूमत में शामिल 22 दूसरे आला अहदेदारों के खिलाफ पाबंदियां लगाने की सिफारिश की गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में सीरिया के खिलाफ पाबंदियों के हवाले से इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। इराक़ के सदर जलाल तलबानी ने कहा है कि इराक बैरूनी साजिशों से निपटने में सीरिया की मुकम्मल तायद करता है। सदर बशार अल असद के नाम एक ख़त में उन्होंने कहा कि इराक बैरूनी साजिशों के मुकाबले में सीरिया की मदद करेगा। यह ख़त इराक़ के कौमी कौंसिल के मुशीर सालेह फयाज़ ने बशार अल असद से मुलाकात करते हुए उनके हवाले किया। पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों ने टारगेट किलिंग्स की लहर को रोकने के लिए बाज़ इलाकों में ऑपरेशन शुरू किया है। ऑपरेशन के सिलसिले में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सिंध सूबे के वज़ीर दाखला मंजूर वसान ने कहा है कि सियासी जमातें ऑपरेशन की तायद कर रही हैं और उम्मीद है कि इस ऑपरेशन के अच्छे नतीजे निकलेंगे। जारी रखते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ के सिलसिले को। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग इल ने अपने मुल्क के न्यूक्लियर प्रोग्राम और मौशी तावन के बारे में रशिया के सदर डिमिट्री मेडवेडोव के साथ गैर मामूली मुलाकात की। किम जोंग इल ने कहा कि अगर नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पर 6 फरीकी बातचीत शुरू होती है तो नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर तजुर्बे ख़त्म करने पर गौर कर सकता है। दोनों लीडरों ने नॉर्थ कोरिया से गुजरने वाली एक पाइपलाइन के बारे में भी बातचीत की, जो साउथ कोरिया जाने वाली है। पाकिस्तान के नॉर्थ वज़ीरिस्तान में अमेरिका के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में एक अफगान शहरी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। सरकारी अहदेदारों ने बताया कि चारशंबे को नॉर्थ वज़ीरिस्तान के हेडक्वार्टर्स मीरा शाह के करीब एक नाले से उसकी लाश मिली। लाश के करीब एक खत भी मिला, जिसमें बताया गया कि वो एक जासूस है और अफगानिस्तान में अमरीका के लिए जासूसी का काम करता है। इसराइल ने भी फ़लस्तीन पर ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। गजा में इसराइल के ड्रोन हवाई जहाज़ ने 2 मिज़ाइल छोड़े, जिससे एक फ़लस्तीनी मारा गया। गजा के रफाह इलाके में इसराइली हवाई जहाज़ ने एक कार को निशाना बनाया, जिसके ज़रिए 2 मिज़ाइल छोड़े गए। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने ड्रोन हमले की तस्दीक करने से इनकार करते हुए कहा है कि वो इस मामले का जायज़ा ले रहे हैं। IMF के साबिक चीफ डोमिनिक स्ट्रॉस खन को रेप केस से बरी करने के बाद पासपोर्ट दे दिया गया है। अदालत ने मुकदमे के दौरान उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया था। डोमिनिक स्ट्रॉस खन को एक होटल मुलाजमा से ज्यादती के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें इस इल्ज़ाम की वजह से अपने IMF के ओहदे से भी हटना पड़ा था। अफगानिस्तान और इराक की जंगों में अमेरिका के 6,108 सिपाही मारे गए हैं। वाशिंगटन पोस्ट ने कहा कि इराक में 4,474 और अफगानिस्तान में 1,634 अमरीकी सिपाही मारे गए।
पाकिस्तान के अपोजिशन लीडर और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने मक्का मुकर्रमा में सऊदी अरब के शाह अब्दुल्ला से मुलाकात की और आपसी ताल्लुकात और आपसी दिलचस्पी के दूसरे मामलों पर बातचीत की। यह मुलाकात शाह अब्दुल्ला की तरफ से दिए गए एक इफ्तार डिनर के मौके पर हुई। इस इफ्तार डिनर में लबनान के साबिक वजीर आजम साद हरीरी और कई दूसरी अहम शख्सियतों ने भी शिरकत की। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर के करीब एक मकान में आग लगने से 11 लोग मारे गए हैं। मरने वालों में 8 बच्चे शामिल हैं। पुलिस तहकीकात कर रही है। थाईलैंड में बैंकॉक के मैडम तुसाद म्यूजियम में सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के मोम के मुजस्मे की नकाब कुशाई अंजाम दी गई। इस मौके पर बैंकॉक में रहने वाली इंडियन कम्युनिटी और फैशन की दुनिया से ताल्लुक रखने वाली कई शख्सियतों ने शिरकत की। अब देखते हैं कुछ नेशनल न्यूज। अना हजारे के व्रत को तोड़ने के लिए मनाने की खातिर हुकूमत ने इशारा दिया है कि अगर वो अपनी भूख हड़ताल खत्म करते हैं तो हुकूमत उस लोकपाल बिल को वापस ले सकती है जो पार्लियामेंट में पेश किया गया था। अना हजारे की टीम और यूपीए हुकूमत ने लोकपाल बिल के एक मुसवदे को कतईयत दी है जिसे वजीर आजम मनमोहन सिंह को रवाना किया गया है, लेकिन 3 मुतनाज़े मसाइल पर दोनों के दरमियान कोई इत्तेफाक नहीं हो सका, जिनमें लोकपाल के दायरे में आने वाली नौकरशाही, हर रियासत में लोक आयुक्त के तकरर और बिल से मुतलक डेडलाइन शामिल है। हुकूमत और अना हजारे की टीम के दरमियान बातचीत 3 पेचीदा मसाइल की वजह से तातुल का शिकार हुई। इस दौरान एक मजबूत लोकपाल बिल के लिए अना हजारे की भूख हड़ताल 9वें दिन में दाखिल हो गई है और उनकी सेहत के बारे में तशवीश बढ़ती जा रही है। अना हजारे टीम की रुकन किरण बेदी ने कहा कि वजीर कानून सलमान खुर्शीद और अना हजारे टीम के दरमियान बातचीत का एक और दौर होगा। इससे पहले सलमान खुर्शीद के मकान पर 1 घंटे तक मीटिंग हुई जिसमें कोई पेशरफ नहीं हुई। सलमान खुर्शीद और सिविल सोसाइटी के अरकान अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी और प्रशांत भूषण के दरमियान लोकपाल बिल के कई नुकात पर गौर किया गया। बातचीत में कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट संदीप दीक्षित और चीफ मिनिस्टर दिल्ली शीला दीक्षित के पॉलिटिकल सेक्रेटरी पवन खीरा ने सलमान खुर्शीद की मदद की। बातचीत के मौके पर सलमान खुर्शीद ने रिमार्क किया कि अना हजारे की भूख हड़ताल खत्म करना एक अच्छे लोकपाल बिल से ज्यादा जरूरी है। इस दौरान अना हजारे ने कहा है कि वो और 9 दिन व्रत रख सकते हैं। अना हजारे ने एक बार फिर डॉक्टरों के मशवरे के बावजूद IV फ्लूइड्स लेने से इनकार कर दिया है। अना हजारे ने कहा कि वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। ऊपर ऑफिसर है उनको लोकपाल के दायरे में लाओ और कोई भी नागरिक लोकपाल को सबूत के साथ तकरार करता है लोकपाल उसकी जांच करेगा। आप नहीं करते लोकपाल करेगा। जांच कर अगर उसमें भ्रष्टाचार है लोकपाल उसको पनिशमेंट देगा। इतना ही नहीं, कितना पैसे का भ्रष्टाचार किया उतना पैसा वसूल करने की शक्ति लोकपाल के पास होगी। इस दौरान वजीर आजम मनमोहन सिंह ने एक ऑल पार्टी मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि करप्शन के खिलाफ मजबूत आज़ाद इदारा बनाना हुकूमत की तरजीह है और इस सिलसिले में बिल पास किया जाएगा। इस दौरान अना हजारे के हामियों ने दिल्ली में वजीर आजम के मकान के बाहर एहतजाज किया। इस सिलसिले में बाज़ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। लोकपाल बिल के बारे में BJP का रुख तय करने के लिए एक मीटिंग हुई जिसमें जबरदस्त ड्रामा हुआ। सीनियर BJP लीडर और लोकसभा के रुकन पार्लियामेंट यशवंत सिन्हा ने करप्शन का मसला उठाने में कोताही और अना हजारे से पीछे रह जाने पर पार्टी की लीडरशिप को तनकीद का निशाना बनाया। बिहार से ताल्लुक रखने वाले यशवंत सिन्हा ने यहां तक कहा कि अगर बागी लीडरशिप चारशंबे को नई दिल्ली में पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में मिलकर काम नहीं करती है और एक ठोस रुख अख्तियार नहीं करती है तो वो लोकसभा से इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हैं। शत्रुघ्न सिन्हा और उदय सिंह ने भी यशवंत सिन्हा की तायद की जिनका ताल्लुक बिहार से ही है। उन्होंने भी कहा कि वो इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हैं। वजीर आजम मनमोहन सिंह ने कहा है कि मुल्क की न्यूक्लियर तनसीबात पूरी तरह महफूज है और किसी भी खतरे से निमटने के लिए न्यूक्लियर तनसीबात की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। लोकसभा में वजीर आजम ने सवालों के वक्फे के दौरान एक जवाब देते हुए कहा कि हिफाजती इकदाम सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं और न्यूक्लियर तनसीबात की हिफाजत पर किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। वजीर आजम ने कहा कि हाल ही में जापान में सुनामी की वजह से और जलजले की वजह से न्यूक्लियर रिएक्टर्स को जो नुकसान हुए हैं उसे देखते हुए अहम न्यूक्लियर एजेंसियों को हिंदुस्तान की न्यूक्लियर तनसीबात की हिफाजत को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत दी गई है।
वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर जगन मोहन रेड्डी को उस वक्त एक जबरदस्त धक्का लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ सीबीआई तहकीकात को चैलेंज करने वाली एक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि इस मरहले पर वो मुदाखलत नहीं कर सकती। सीबीआई ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के हुक्म पर जगन के गैर कानूनी असासों और एमआर प्रॉपर्टीज के प्रोजेक्ट्स में धांधलियों की तहकीकात शुरू की है और इस सिलसिले में कई जगह धावे किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने राज्यसभा के रुकने पार्लियामेंट अमर सिंह और छह दूसरों के खिलाफ वोट के बदले नोटिस स्कैम के सिलसिले में उनके रोल के लिए चार्जशीट दाखिल की है। एलके अडवाणी के साबिक साथी सुदेंद्र कुलकर्णी, बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट अशोक अर्गल, भागुल सिंह फुलसटा और महावीर सिंह भगोड़ा के नाम भी चार्जशीट में दाखिल किए गए हैं और अमर सिंह के साबिक साथी संजीव सक्सेना और सोहेल हिंदुस्तानी के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की गई है। बताया गया कि पुलिस को वोट के बदले नोटिस स्कैम के सिलसिले में सात लोगों के खिलाफ काफ़ी सबूत मिले हैं। इतनी अच्छी खबरें। अब वक्त को इजाजत दें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह।